छी, पॉरेज, ये बहुत बेकार और बेस्वाद है। नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगा। क्या शोर है, कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है ना? दादी, मैं आ रही हूँ। फोटो सुपर है, छोटी बहन। कौन चिल्ला रहा है? मैं अभी आ रही हूँ। ओह, शेफ, मैं उल्टे पांव दौड़ी आ रही हूँ। यह क्या है? मेरा पोता क्यों रो रहा है? यह पॉरेज भयानक है। फिर इसे चाय करो। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम जो चाहो वो हम तुम्हारे लिए पकाएंगे। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। यस। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। एक दो और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भून कर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। हुरे, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेज को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ। और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूर डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो, और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है, हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच।
वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है, केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब यह पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन? नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान, मैं आज को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया, और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ। और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया,
देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं, और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए, और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत, तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स, तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया, लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! हाँ, पता नहीं पहले टास्क में हमारे हीरोज का क्या इंजाद कर रहा है। वाह, ये सबका फेवरेट चिकन लेग है। अब देखते हैं कि हमारे प्रतिभागी उनसे कैसे निपटेंगे। चलो शुरू करें। ओ दादी, मुझे खेद है लेकिन ये सोने का समय बिल्कुल नहीं है, चुनौती शुरू हो चुकी है। धन्यवाद जैन, तो चिकन के साथ शुरू करते हैं। इस तरह पैन में पैर डाल दिया। नमक और काली मिर्च को नहीं भूलना है। क्या आपको लगता है कि चिकन लेग्स है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली चिकन लेग क्या होता है। पहले चिकन को सोया सॉस में डिप करना है। यह सही है, बेशक हमें ब्रेडिंग की जरूरत है और थोड़ी सीजनिंग। ताजा अंडे, बढ़िया। हम अंडे को विस्क से मिलाते हैं, फिर चिकन को बैकन स्लाइस में लपेटते हैं, फिर हम इस अंडे में डिप करके और अंत में ब्रेडिंग में डालते हैं। अद्भुत। और हाँ, हम इन पैरों को ओवन में पकाएंगे। वाला, नो! यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो कुछ दिलचस्प देखती हूँ। नहीं, लेकिन यह कुछ अलग सा है। वाओ, हाँ, यह रेसिपी काम करेगा। तो शुरुआत के लिए चलो चीटोज लेते हैं। और अब यह बैम। अरे हाँ, इस तरह बहुत अच्छा। अब क्रम्स को एक प्लेट में डाले। बढ़िया, यह तैयार है। सारे को प्लेट में डाल लूंगी। ओके। थोड़ा मसाला डालना है और थोड़ा और। ओ, रुको, यह क्या है? ओह, क्या यह तीखी मिर्च है? क्या ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। अब हम अंडे और आटा मिलाते हैं। तो यह चिकन को हमारे ब्रेडिंग में डुबाने का समय है। बस इस तरह से, बढ़िया। अब चिकन को गर्म तेल में डाल दे। वाह, ऐसा लग रहा है कि दादी के चिकन लेग तैयार है। और शेफ का कैसा चल रहा है? अब देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, ये बेक्ड लेग बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और यह सर्विंग, शाबाश शेफ। अब केवल जैन की डिश ही बची है। वाह, यह केएफसी की एक बाल्टी है। हाँ, जैन के लेग वास्तव में मशहूर केएफसी लेग्स की तरह दिख रहे हैं। खैर, सभी डिश तैयार है। आपको कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी? जैन, दादी के या शेफ के? अच्छा, अब इसे चखने का समय है। मैं इन लेग्स से शुरू करूंगी। यह क्या है? मुझे यह पसंद नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? ये अच्छे लग रहे हैं और इनका स्वाद भी अच्छा है। क्या इतना तीखा क्यों? उफ, इन लेग्स की वजह से मैं लगभग जलने वाली थी। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। हाँ, यह हमारा विनर है। बधाई हो दादी। पता नहीं इस बार मैरी को क्या खाने का मन है। वाह, वॉफल। मुझे आशा है कि हमारे प्रतियोगी तैयार है। हाँ, यह काफी आसान होना चाहिए। शुरू करने के लिए अंडे ले, चीनी, आटा और दूध डाले, और अब इन सबको मिलाना है। अब मजेदार भाग, हमारे आटे को कई छोटे कटोरे में डाले और कुछ रंग डाले। बस, मुझे यह खुशनुमा रंग बहुत पसंद है, भव्य। अब हम अपने रंगीन बैटर को वॉफल मेकर में डालते हैं। ओह हाँ, मुझे यकीन है कि मैरी खुश होगी। हाँ,
मेरे वफल शेफ के वफल की तरह चमकीले नहीं है, लेकिन उनका स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है, अब हम सब कुछ जल्दी से पका लेंगे। तो बढ़िया, ओह यह वही है जो हमें चाहिए। हाँ, मैरी निश्चित रूप से मेरे सिग्नेचर वफल्स को पसंद करेगी। और अब चॉकलेट पाउडर, बिल्कुल सही। और यह न्यूटेला, बढ़िया, अभी से स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, मैं दूध के बारे में लगभग भूल गई थी। अब हम यह सब मिलाते हैं। मुझे लगता है कि मैं मिक्सर से भी बेहतर मिक्स कर सकती हूँ। हाँ, मैं पैदाइशी शेफ हूँ। उफ, माफ करना दादी। अब इस अद्भुत मिक्सचर को वफल मेकर में डालने का समय आ गया है। बस इस तरह से। और ऐसा लगता है कि मेरे वफल तैयार है। कितना सुंदर दिख रहा है। और बस इसे सजाना बचा है, इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाना ही बचा है। और बेरीज भी, स्वाद के लिए थोड़ा सा सिरप। वाह, बहुत बढ़िया। और यह रहा मेरा स्वादिष्ट वफल। दादी माँ के होममेड वफल से बेहतर क्या हो सकता है। चलो कुछ मैपल सिरप मिलाते हैं। बढ़िया, मेरा भी। आह, लगता मैं जल गई। ओह, धन्यवाद दादी। तो इसे सिर्फ व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना ही बचा है। थोड़ा सिरप और गमी बेयर और बाकी कुकीज भी यहाँ। हो गया, हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे सभी हीरोज ने अपना काम कर दिया है, लेकिन किसकी डिश बेहतर होगी। मैरी, तुम तय करो। चलो इन्हें चक्कर देखो। ओह, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हमारे पास यहाँ क्या है? ये दादी के वफल है, हमेशा की तरह स्वादिष्ट। और यह क्या है? और मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? भयानक। वाह, कितना खूबसूरत है। चलो खाती हूँ। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे माफ करना दादी, लेकिन इस बार शेफ की डिश कुछ ज्यादा ही अच्छी है। बधाई हो। इस बार मुझे चाहिए स्मूदीज। क्या कोई मुझे सुन भी रहा है? हम यहाँ असल में एक चुनौती में है। मैरी को गुस्सा दिलाना जितना आसान है, खुश करना उतना ही मुश्किल। मुझे आशा है कि हमारे हीरो सफल होंगे। और इसे कौन बेहतर करेगा, आइए अब पता करें। ठीक है, चलो एक एवोकाडो से शुरू करते हैं। एवोकाडो, ओटमील, स्मूदी के लिए हमें यही चाहिए। दादी माँ और शेफ के डिश बहुत ही अलग है। स्मूदी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक केला दोनों प्रतिभागियों के स्वाद के अनुरूप है। जरूरी बात यह है कि उनकी स्मूदी मैरी को खुश कर दे। क्या ताजा और स्वादिष्ट दूध है। मैरी को यह स्मूदी पसंद आएगी। ओह, मैं नट्स के बारे में लगभग भूल ही गई थी। बादाम मैरी के फेवरेट नट है। तो अब हम इसे मिलाते हैं। मैं भी, मेरा स्मूदी। मुझे यकीन है कि मेरा स्वादिष्ट और हेल्दी ड्रिंक मैरी का दिल जीत लेगा। ओह, स्वादिष्ट। अब उन्हें यह सिखाने का समय आ गया है कि असली स्मूदी क्या होती है। तो यह लिया, यह और यह। केले के छिलके उतार देती हूँ। उफ, माफ करना, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, यह गलती से हो गया। ठीक है, तो आगे क्या है? ब्लेंडर। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या यह वास्तव में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे टूटा हुआ मिला है? ठीक है, मुझे तुरंत कुछ करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये एक बढ़िया आइडिया है। जब आपके पास हाथ हो तो ब्लेंडर की जरूरत किसे है? दूध डाला, बस अब फेंट लेना है इस तरह से। केले, यह एक कांटा मेरी मदद करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ मैरी, मुझे आशा है तुम्हें यह स्मूदी पसंद आएगा। यह हैंडमेड स्मूदी है। और थोड़े और बेरीज यहाँ अच्छे लगेंगे। एकदम सही, बहुत बढ़िया। वाओ, दादी की स्मूदी तैयार है। यह सही है कि दादी का ड्रिंक बहुत साधारण दिख रहा है, पर इसे अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होना चाहिए। और ये रहा शेफ का ड्रिंक। वाह, क्या सर्विंग है। बढ़िया काम शेफ। और यहाँ तीसरा उम्मीदवार है, जेन की स्मूदी। बहुत बढ़िया, किसने सोचा होगा कि जेन इतनी खूबसूरत स्मूदी बनाएगी। यह देखते हुए कि उसने इसे बिना ब्लेंडर के बनाया था, शाबाश जेन। ड्रिंक तैयार है, किसकी स्मूदी जीतेगी?
अब हम ये सब पता लगाएंगे। चलो देखे। चलो देखते हैं। यह अजीब लग रहा है। क्या बकवास है यह? क्या है? पालक? बेकार। ठीक है चलो इसे चखते हैं। नहीं यह वह नहीं है जो मैं चाहती थी। ठीक है आखिरी स्मूदी बाकी है। वाओ यह बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाद और भी अच्छा है। हाँ यह ड्रिंक विनर है। बढ़िया काम जेन। क्या आपको वीडियो पसंद आया? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लिखें। बाय बाय दोस्तों और जल्दी मिलते हैं।